बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नाउंस के जेंडर और नंबर के बारे में। तो बच्चों, उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं जिनमें से हमें नाउन को छांटकर अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, माय सिस्टर विल विजिट मी नेक्स्ट मंथ। तो आपको यहाँ पर नाउन कौन कौन से हैं, सिस्टर, मंथ, नेक्स्ट सेंटेंस में मदर, चिप्स, थीफ, पर्स, ब्रदर, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो ये सभी क्या है, किसी ना किसी चीज के नाम है। तो बच्चों, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। सिया इज ए गर्ल, तेजस इज ए बॉय, ही इज माई अंकल, शी इज माई आंट। तो बच्चों, इन सेंटेंसेस में गर्ल, आंट, ये क्या होता है, किसी फीमेल के बारे में बता रहे हैं। इनको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। और जैसे अंकल है, बॉय है, ये हमें मेल चीज, मेल लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो उनको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। तो वो नाउन जो किसी मेल के लिए होता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर, और वो नाउन जो हमें फीमेल के बारे में बताता है उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। अब जैसे कुछ शब्द हैं, टेबल, बेंच, पेन, पेंसिल, डोर, विंडो, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए उनको ना हम मेल में रख सकते हैं ना फीमेल में। तो ऐसे नाउन को हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे टीचर है, डॉक्टर, नर्स, कैशियर, ये क्या है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिनके हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो भी मिसिंग है उसको लिखना है। जैसे प्रिंस का फीमेनिन क्या होगा, प्रिंसेस, नेफ्यू का नीस, लॉयन का लॉयनेस, हीरो का हीरोइन, डॉग का बीच, पीकॉक का पीहेन, किंग का क्वीन, बॉय का गर्ल। इसी तरह कॉक का हैन, फॉक्स का विक्सन, हॉर्स का मेयर, सन का डॉटर, फादर का मदर एंड सर का मैडम। अब बच्चों नेक्स्ट कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे आई एट टू आइसक्रीम, शी बॉट फाइव मैंगोज। तो इन सेंटेंस में क्या है बच्चों, कुछ नाउन्स हैं जैसे आइसक्रीम और मैंगो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे टू है, फाइव है, तो ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ जैसे सम शुगर, सम वाटर, इसमें क्या है, चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते या वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अब काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, जैसे कि हॉर्स, हॉर्सेस, डॉग, डॉग्स, फ्रॉग, फ्रॉग्स एंड ट्री, ट्रीज। तो जो चीज, जो नाउन एक के बारे में बताता है उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जो नाउन बहुत सारे चीजों के बारे में बताता है उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। अब हम प्लूरल फॉर्म्स बनाने के तरीके देखते हैं। जैसे सबसे पहले सिंगुलर नाउन में एस ऐड करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे रोज का रोजीज, शॉप का शॉप्स, इनमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। दूसरा ई एस ऐड करके हम बनाते हैं, जैसे एस डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच, जो वर्ड इनसे एंड होते हैं उनमें हम ई एस जोड़ते हैं, जैसे गैस का गैसेस, चर्च का चर्चेस, ब्रश का ब्रशेस। तीसरा तरीका होता है जो नाउन वाई से खत्म होते हैं और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए, जैसे फैमिली फैमिलीज, स्टोरी स्टोरीज, लेडी लेडीज। जो नाउन वाई से एंड होते हैं लेकिन उनसे पहले कोई वॉवेल होता है तो उसको सिंगुलर बनाने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, की का कीज, डोंकी का डोंकीज। कुछ नाउन होते हैं जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं तो उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटा करके या एफ ई को हटा करके हम वी ई एस जोड़ देते हैं, जैसे वाइफ का वाइव्स, लीव का लीव्स, काफ का काव्स, थीफ का थीव्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ओ से एंड होते हैं और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं, जैसे हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगोज, बफेलो का बफेलोज। कुछ नाउन के प्लूरल बनाने के लिए हमें उन वॉवेल को चेंज करना पड़ता है, जैसे वुमेन, एम ए एन मैन है तो इसको वुमेन, एम ई एन मैन करेंगे, टूथ का टीथ, मैन का एम ई एन मैन। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाना है, जैसे फूट का हम लिखेंगे फीट, स्ट्रीट का स्ट्रीट्स, प्लेट का प्लेट्स, फ्लाई का फ्लाइज, एफ एल वाई फ्लाई का फ्लाइज, फॉक्स का फॉक्सेस, बंच का बंचेस, लेडी का लेडीज, कॉपी का कॉपीज, ईयर्स, लिलीज, सर्वेंट्स और वैली का वैलीज।
नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सुटेबल नाउन जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनमें से छांटकर फिल करना है। जैसे मॉन्क्स लिव इन ए मोनेस्ट्री, द वेट्रेस सप्लाइड फॉर हर मैनेजर, द टाइग्रेस लाइक्ड हर कब, शी इज माय सिस्टर इन लॉ, द शेफर्ड टुक हिज शीप टू द पैडी फील्ड, द किंग विजिटेड हिज बोट एवरी डे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें जो नाउन्स दिए गए हैं उनका बताना है वो कौन सा नाउन है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूट्रल जेंडर, उनके जेंडर्स बताने हैं। जैसे कार क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, एक्टर मैस्कुलिन, जज कॉमन जेंडर, सिंगर कॉमन, विक्सन फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, ब्राइड फेमिनिन, बुक न्यूट्रल जेंडर, बुल मैस्कुलिन, डॉटर फेमिनिन एंड टेबल न्यूट्रल जेंडर। इस तरह से हम जेंडर्स बता सकते हैं। थैंक यू।